नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है शिवसेना के कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे की। उद्धव जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चुनाव के लिए तैयारी? बिल्कुल। एटम बम का जमाना है, आप तीर कमान से लड़ रहे हैं, चुनाव लगता है जीत जाएंगे आप? रावण को अगर मारना है, रावण का वध करना है, तो एटम बॉम्ब की नहीं, तीर कमान की बात है। रावण तो हर साल मरता है, हमारा हमारा तीर एटम बॉम्ब से एटम बॉम्ब की बराबरी का है। रावण तो हर साल मरता है, वो तो मरता रहेगा। ये दो तो मुंह वाला रावण है, ये दो मुंह वाला रावण है। कांग्रेस और एनसीपी, तीर में एटम बॉम्ब का दम आ गया। बिल्कुल, आपकी पार्टी हमारा एक एक शिवसैनिक एक एक एटम बॉम्ब की बराबरी का है। राम की बांदर सेना जो थी वो तो यूनाइटेड थी, आपकी सेना तो रोज लड़ाई डिफेक्शन भाग के जा रहे हैं। डिसिप्लिन हो रहा है? नहीं, कहाँ हो रही है, क्या अभी भी छोड़ के चले गए? वो जितने जितने लोग एक अपने मतलब के लिए आए थे वो तो जाते हैं, ऐसे लोगों को जाना चाहिए। चुनाव के समय क्यों चले जाते हैं वो? उनके मतलब के लिए आते रहते हैं। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लोग जो भी लोग आते हैं वो तो चुनाव के दरमियान ही जाएंगे। पहले कभी मैंने सुना नहीं था जब बाला साहब थे कि फिल्म एक्टर को आप टिकट दे दो, अपने कार्यकर्ता के टिकट काट दे, तो उद्धव को फिल्म एक्टरों के अंदर कितना? हर क्षेत्र से अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, और आरएस बांदेकर जो आए हैं वो एक काम करने के लिए अच्छी व्यक्ति है, और सिर्फ वो फिल्मों में काम करते हैं, शूटिंग के लिए घूमते हैं, ऐसे नहीं है। आज तक उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने इतना महाराष्ट्र देखा होगा। 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है पूरे महाराष्ट्र में। घर घर में जाते हैं, बात करते हैं, उनकी व्यथा और उनके जो दुख है उनको समझने की कोशिश करते हैं, और अगर अच्छी व्यक्ति राजनीति में आती है तो किसी को आपत्ति होने की नहीं। मेरा कहने का, बाला साहब ठाकरे अपने आप में एक शक्ति है, आज भी है। उनको जरूरत नहीं थी ऐसे लोगों के ला करके चुनाव जीतने की, आज भी है। और यही मैं कहता हूँ कि हमेशा हम कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। नहीं, अच्छे लोग आने चाहिए। जो सिटिंग आपका एमएलए इतने साल से बैठा है, आप उसको डिनाई करके टिकट दूसरे को फिल्म स्टार को दे दें तो ये लगेगा फिल्म स्टार को टिकट दे रहे हैं आप। ऐसी बात, अच्छे व्यक्ति को तो कहीं और से भी दे सकते हैं। फिल्म स्टार सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, ये जो हमारे कहते हैं ना आम आदमी, सामान्य मानुष, ये हमारा आम आदमी का प्रतिनिधि है। एक बात बताओ, आपको वोट लोग क्यों देंगे, किस बात के लेंगे? सीधी बात है, लोग परेशान है। आप मुझे बताइए हमें वोट क्यों ना दे और कांग्रेस को क्यों दे? ऐसे कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने क्या किया है कि वो वोट मांगने की हिम्मत करे? बिजली का उत्पादन कितना किया पता नहीं, इंडस्ट्री कितनी लगी मालूम है आपको? नैनो की फैक्ट्री भी पहले चली गई बंगाल में, फिर चली गई गुजरात में, क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार ने वो महाराष्ट्र में लाई? ऐसे कि अच्छा, एक बात और है कि हमने कई बार सुना है, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे विलासराव जी देशमुख, कई बार विदेश गए, गए और आए। कहा तो गया कि मैं जा रहा हूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कहां गई इंडस्ट्री? पर उसके बाद लोकसभा चुनाव कैसे जीत गए? इतनी मार पड़ी आप लोगों को दोनों पार्टी? रूरल एरिया में तो हम जीते। रूरल एरिया में जीते, महाराष्ट्र में तो हारे ना आप? नहीं, महाराष्ट्र में ये तो बात है, रूरल और अर्बन, आपकी सीटें कम हुई कि नहीं? एक सीट कम तो हुई ना, बढ़नी चाहिए थी ना? नहीं, बढ़नी तो चाहिए हमेशा, ये तो अपेक्षा की जाती है कि हमें तो जीतना चाहिए, लेकिन शहर और गांव, ये जो विभाजन हुआ इसमें शहर में हम पिछड़ गए। अब उस वक्त जो चुनाव था वो देश का चुनाव था, लोगों ने शायद शहर के लोगों ने सोचा होगा कि भाई देश का चुनाव है, देश का नेता कौन बनेगा पूरा देश तय करेगा, मैं मेरा जो वोट है दे दूंगा किसी और को। तो आपका कहना मतलब अभी वो देश का नेता के चुनाव करने में अडवाणी को छोड़ करके मनमोहन सिंह को सिलेक्ट किया, आपका कहने का मतलब ये है? अभी सच्चाई तो वही है, लेकिन अब नहीं, सच्चाई नहीं, सच्चाई तो आपने ये कहा ना कि नेता का चुनाव क्यों, नेता का तो लोकल चुनाव होगा, अब तो घर का चुनाव है, घर का चुनाव है, अब डायरेक्ट वोट होगा। अब महाराष्ट्र की सरकार पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में जो सरकार है नाकामयाब सरकार है, कितनी, जैसे मैं कह रहा हूं ना, कितनी इंडस्ट्री लगी, खेती काश्तकार तो आत्महत्या कर रहे हैं, 2 दिन पहले मुझे खबर मिली कि 12 काश्तकारों ने आत्महत्या की, क्या ये आजादी है? ये कौन सा देश है? कौन सी सरकार? लोकसभा चुनाव से पहले भी हो रही थी। देश के कृषि मंत्री हैं, उनके जमाने में आत्महत्या हो रही है, लोन उन्होंने माफ किया, अच्छे काम किए तभी तो इतनी सारी सीटें मिली। हारे क्यों पवार साहब? नहीं, पवार साहब तो हारे, पर कांग्रेस तो जीती ना, कांग्रेस सीटें तो ज्यादा बढ़ी ना, तो हारी ना कांग्रेस। पर आप अगर मुंबई के ये जो 6 जगह है, 6 सीटें है मुंबई की, वो कांग्रेस हार जाती तो हमारा अलायंस जो है वो नंबर 1 हो जाता। मुंबई खास कर मुंबई थाना, यहाँ पर हम पिछड़ गए, कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं उसके। कारण तो ये कि आप अपनी पार्टी में अपने लोगों को साथ में रख पाते, क्यों नहीं? राज ठाकरे ने एक एक जगह पर 1-1 लाख वोट ले लिया, आपके अपने कजन ब्रदर ने घर का भेदी लंका डाय, लंका की बात करें तो आपने सही बात की, घर का भेदी अब पूरी
दुनिया समझ गई कि ये घर का भेदी है, ये हमें न्याय नहीं दे सकता। तो आपने हो सकता न्याय नहीं दिया उनको? क्यों नहीं, मुंबई महापालिका तो हम जीते हैं, उस वक्त भी यही सारा ऐसे ही वातावरण था। 1-1 लाख वोट लेके गया वो आदमी। ठीक है चलो, अभी 10-15 दिन बाकी है, पता चलेगा कितना वोट लेते हैं। भीड़ तो आ रही है, जितनी आने दो, लेकिन भीड़ कहाँ आ रही है? तो मैंने देखी जो वीडियो मेरे दिखाया गया, उसके अंदर मेरी सभा में आप चलो। नहीं, आपकी सभा तो आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है ना, वो तो अभी ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, मेरी पार्टी भी है, मेरी मतलब मेरी मेरे लिए नहीं लोग आ रहे। अब लोग ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पार्टी को चुनेंगे जिसके ऊपर उनको भरोसा है, विश्वास है। और हमारे हाथों में जब सत्ता थी 4.5 साल, सिर्फ 4.5 साल, उस वक्त जितने वादे हमने किए थे वो निभाए और निभाने की कोशिश जरूर की। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने पिछले 10 सालों में जितने वादे किए, मुझे एक वादा बताओ वो पूरा किया। ये कह देना कि ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, परंतु आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। काम नहीं हुआ ये नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव क्या है, जब हम सत्ता में थे, यही तो मैं कहता हूँ कि हमने उस वक्त मुंबई में फ्लाईओवर्स की शुरुआत किसने की, उस वक्त हमने जो फ्लाईओवर्स बनाए उसके बाद कांग्रेस ने नया क्या किया। एक छोटी बात जो बड़ी हो गई, ये जो सीलिंग ब्रिज बना है उसकी शुरुआत मेरे पिताजी के हाथों से, माननीय बाला साहब जी के हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ था। उस वक्त अपेक्षा थी कि 2004 तक ये जो सीलिंग ब्रिज है वो बरेली तक पहुंचेगा और 2009 तक, मतलब आज के दिन, वो पहुंचना चाहिए था नरीमन पॉइंट। बड़े मुश्किल से 2009 में ये ब्रिज वरली तक पहुंचा है, वो भी आधा। आप में ऐसे कौन से गुण हैं आपकी पार्टी में या आपके नेताओं में जिसकी वजह से लोग आपको चुने, पर पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से। फैशन हो गया लोग चीफ मिनिस्टर को वोट देते हैं, यहाँ तो आपका कोई चीफ मिनिस्टर है नहीं, आपको चुनाव लड़नी है। चीफ मिनिस्टर बनाना है इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे। तो कौन बनेगा? महाराष्ट्र को बदलना है। नहीं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र को बदलना है इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, जैसे बाकी प्रदेशों में नरेंद्र मोदी है या रमन सिंह है, शिवराज चौहान है, शीला दीक्षित है, सब लोग नाम जो भी, शिवसेना की ओर से मैं कहूँ ये अधिकार बाला साहब का है। पिछली बार भी जब हम चुनाव जीते थे तब भी हमने चीफ मिनिस्टर का नाम जाहिर नहीं किया था, और उस वक्त जो भी व्यक्ति बाला साहब कहेंगे वो बनेगा चीफ मिनिस्टर, बाला साहब ही डिसाइड करेंगे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। पर आपने कई एक साल पहले कहा था कि मैं बनना तो अच्छा लगता है मेरे को, नहीं, पर बाला साहब डिसाइड करेंगे। मैंने ये कहा था कि किसी को भी पूछे, अगर किसी बच्चे को भी पूछे कि ये तुझे पसंद है तो बोलेगा हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सपना लेके मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे। एक खैर महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नहीं, लोग कहते संजय राउत को ही आपके यहाँ वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो सब पार्टी चलाते हैं। नहीं, वो कैसे पार्टी चलाते हैं? सामना एक हमारा अखबार है, उसके थ्रू से पता लगता है ना क्या हो रहा है, बाला साहब चाहते क्या है, पार्टी क्या चाहती है। तो लेकिन वो बाला साहब जो कहते हैं वही होता है, तो संजय राउत नहीं है लगता है? बिल्कुल नहीं, इनविजिबल कैंडिडेट, रिमोट कंट्रोल। नहीं नहीं नहीं, बाला साहब पार्टी चलाते हैं, आज भी आदेश सिर्फ बाला साहब करते हैं, हम तो उसके ऊपर अमल करते हैं, हम तो सैनिक है, सेनापति वो है। तो बाला साहब कैंपेन के लिए तो नहीं जाएंगे ना इस बार? वो तो चाहते हैं कैंपेन के लिए, वो हमेशा उनकी चाहत है कि एक उनका जो प्यारा शिवाजी पार्क शिव तीर्थ और दूसरा ठाणे शहर, मैंने उनको विनती की है कि आपने आज तक हमें इतना कुछ दिया है, पैरों पे खड़ा किया है, आशीर्वाद आपके मजबूत आशीर्वाद आपके हमारे पीछे है, आपकी सभा चाहिए मुझे, लेकिन वो सेलिब्रेशन की चाहिए, प्रचार की नहीं तो ये होगा कि आज भी हम उनको लेके परेशान करें तो ये मैं तो मानता हूँ मैं उनको उनका पुत्र कहलाने के लिए नालायक हूँ। फिर इस तरह से अडवाणी के बारे में क्या, उनको बुलाएंगे आप प्रचार के लिए? अडवाणी साहब भी, मैं चाहता हूँ कि ये सारे बुजुर्ग लोग जिन्होंने आज तक हमें दिशा दिखलाई है उनके आशीर्वाद काफी है, और ये सारे लोग, मैं चाहूंगा इन सारे लोगों की सभा चाहिए हमें, लेकिन वो जब हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे शिवाजी पार्क पर उस वक्त। तो आपको अडवाणी जी का आशीर्वाद चाहिए, प्रचार नहीं चाहिए? मैं नहीं चाहता ये इन सारे लोगों को हम तकलीफ दे, नहीं तो फिर हमें हमारे बाहों में कितनी ताकत है, कैसे पता चलेगा, कैसे बदलना है, लोगों को कैसे चांस मिलेगा? नहीं, इन्होंने आज तक जो भी दिया है इन लोगों ने तो दिया है, पूरी जिंदगी उन्होंने देश के लिए, और मान लो आज की पीढ़ी है या हम आगे की पीढ़ी है उनके लिए उन्होंने। मैं आप अडवाणी जी और उद्धव ठाकरे को स्टेज पे इलेक्शन कैंपेन में चांसेस कम है? कम नहीं, ये आडवाणी साहब की इच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना कि विजय की सभा, और इसलिए विजय सभा में आप दोनों इकट्ठे दिखाई देंगे, चुनाव सभा में नहीं दिखाई देंगे, चुनाव नहीं। इसलिए अभी इस वक्त इस साल जो हमारी दसरा रैली होती है तो हमने वो पोस्टपोन की है, अब हम उस वक्त दसरा मनाएंगे, विजयादशमी मनाएंगे, विजयादशमी उस वक्त मनाएंगे। अच्छा एक बताइए, पर राज ठाकरे जो है इस वक्त जो है पॉलिटिकल बना हुआ है सारा, तो आपको लगता नहीं है कि रीजनल एजेंडा जो आपका था वो उसने आपसे छीन लिया? ये सवाल मुझे किसी और ने भी पूछा था कि आपकी पार्टी मतलब शिवसेना रीजनल है,
तो मैंने कहा रीजनल जरूर है लेकिन साथ में ओरिजिनल है, और ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब महाराष्ट्र की पार्टी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ शिवसेना है। बाला साहब ने जब शिवसेना की स्थापना की तो वो और किसी पार्टी में नहीं थे, अपना स्थान उस पार्टी में बना लिया और अपने मतलब के लिए पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बनाई, ये पाप शिवसेना प्रमुख जी ने नहीं किया है। उन्होंने अपने विचारधारा और अपने एक जो ताकत है उस आधार पर शिवसेना की स्थापना की, किसी का एजेंडा नहीं चुराया। आज के रीजनल एजेंडा जो है नॉर्थ इंडियन को बाहर निकाल दो, उसके सहमत है कि नहीं आप? एक बात समझने की आवश्यकता है, हर एक चीज की सीमा होती है। आप जैसे एक ग्लास पानी है, कितना पानी उसमें रहेगा? हर एक प्रांत की अपनी अपनी सरकार है, मान लो महाराष्ट्र की सरकार है, गुजरात की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, बिहार की सरकार है, हर एक प्रांत की सरकार की जिम्मेदारी है अपने लोगों का ख्याल रखे, उनको सुविधा दे। आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं देखा है कि किसी ने आके कहा कि अरे क्या करूं मैं घर में परेशान हूं, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, इसलिए मैं भीख मांगने के लिए घर छोड़ रहा हूं। घर में मजबूरी है, सरकार काम नहीं दे रही है, सरकार जीने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखा रही। भारत की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं भारत की तो बात कर रहा हूँ, भारत ये सब ये सारे जो हिस्से भारत की तो है, तो आप तो राज्य की अपनी सरकार, फिर राज्य की सरकार क्यों बनी? राज्य की सरकार बनी पहले बनी अपने लोगों को काम देने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए। तो वो वहां की सरकार काम नहीं कर रही है, उसका दोष हम पर क्यों लाद रहे हो? बिल्कुल नहीं है, हर एक प्रांत की सरकार ने अपना कर्तव्य काम नहीं किया, काम करना चाहिए। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए जरूर काम करेगा। नहीं, बाकी लोगों पर तो नहीं निकालोगे ना आप? बाकी लोग मतलब कौन? जो बाहर से जो आए हुए हैं, बांग्लादेशियों को अपना मानेंगे आप? बांग्लादेशी को तो निकालेंगे आप? बांग्लादेशियों को निकालने की बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं, आप बांग्लादेशी को उनका अधिकार क्या है? अपने जो पानी है, जित अनाज है, उसके ऊपर बांग्लादेशियों का क्या अधिकार है? कौन होते हो आपने? जब आप 4.5 साल रहे तब एक बांग्लादेशी भी निकाले थे, जरूर निकाले थे, उससे ज्यादा उसके बिल्कुल निकाले थे। अच्छा छोड़िए, अब मैं आपने कहा ओरिजिनल जो है बाला साहब जी की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की टीम, क्योंकि आपकी अपनी टीम बन रही है, उनके लोगों के साथ लगता है कि आपको ओरिजिनल टीम जो है उनके ऊपर शायद पूरा विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। नई जनरेशन तो आई है, नई जनरेशन तो उनकी टीम पर विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल है, वो साथ है मेरे। नहीं, वो तो आपके साथ है, पर उनकी टीम की बात कर रहा हूँ। टीम तो बिल्कुल साथ है, आज भी सारे लोग काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक नई शिवसेना खड़े कर रहे हैं ऐसे लगता है, नई लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं। मतलब जो आपके पास लोग जो है आसपास उसमें नई जनरेशन जो आपने कहा, अच्छी बात है ना। तो समय के साथ आगे जाना चाहिए, और साथ में अपने बुजुर्ग लोग भी है, वो भी साथ है, दोनों का मिलाप ये बड़ी एक सौभाग्य की बात होती है जो शिवसेना में है। तो बाल ठाकरे मैं उद्धव ठाकरे में नहीं देख सकता कि बाल ठाकरे जो एक शेर की तरह दाड़ते थे, उद्धव ठाकरे दोनों में फर्क क्या है? बाला साहब का व्यक्तित्व अलग है, और इसलिए मैंने कहा था कि एक पत्थर से मूर्ति बनानी है तो उसको तरसने की आवश्यकता होती है, तरसने के बाद जब मूर्ति बन जाती है तो उसके ऊपर फूल चढ़ाने की आवश्यकता होती है। बाला साहब ने उस वक्त जो समय था तो पत्थर की मूर्ति बनाई, अब आज भी मैं उसको तरस से बैठूं तो लोग बोलेंगे बेवकूफ है, अच्छी खासी मूर्ति बनी है इसको तोड़ने जा रहा है। तो आप बाला साहब नहीं बनना चाहते हैं? बाला साहब है, बाला साहब कोई नहीं बन सकता। चलिए अब मैं ब्रेक लेता हूं, उसके बाद पूछूंगा आपसे 5 तीखे सवाल। अब हम पूछेंगे उद्धव जी से 5 तीखे सवाल। सीधा सवाल है, कभी आपका समझौता अपने कजन ब्रदर से होगा कि नहीं होगा? मैं तो जिस पार्टी में हूँ उसी पार्टी में हूँ, मेरा नेता मैंने कभी बदला नहीं है, और मैंने मेरी विचारधारा नहीं छोड़ी है। उनको कुछ अलग लगा तो वो चले गए, मैं नहीं चला गया। अगर वो आएंगे तो आप उनको वेलकम करेंगे? नहीं, ये सवाल जिसने घर छोड़ा है उसने उसका जवाब देना चाहिए। क्या वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सपना आज तक मैंने कभी देखा नहीं है, सचमुच नहीं देखा है। किस्मत के ऊपर विश्वास करते हैं? किस्मत का सवाल नहीं, मैं मेरे जो मेरे प्रयत्न है उसके ऊपर मेरा भरोसा होता है। अगर आपको सरकार बनाने के लिए शरद पवार की जरूरत पड़े, क्योंकि बाला साहब ने कहा था शरद पवार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो आपको जरूरत पड़े तो आप नहीं पड़ेगी। आप बाहर के लोगों को नहीं आने दें यहाँ पर, इन्फ्लक्स जिसको बोलते हैं, उसके लिए क्या कोई कानून बनाएंगे? एक बात जरूर है, जो बात बाला साहब ने कही थी कि यहाँ आज कोई भी घुसता है, जैसे 26 नवंबर को आतंकवादी हमला हुआ, उसका रिपोर्ट खैर प्रधान साहब ने दिया तो है लेकिन वो खुला नहीं है, सरकार ने दबा दिया। क्या उसमें यहाँ के लोग शामिल थे, उनको साथी यहाँ से मिला था? इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुंबई में कौन किसने रहना चाहिए, जैसे पहले भी मैंने कहा कि बांग्लादेशी है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, कौन है ये लोग? किसी को कानून बनाएंगे बाहर के लोग ताकि मुंबई में आकर के ना बसे? हम कंट्रोल जरूर करेंगे, कानून बनाएंगे उनके आने के लिए, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर
वक्त आ गया, जरूरत पड़े तो जरूर करेंगे। और आपका दुश्मन कांग्रेस में से या राज ठाकरे में से कौन सा बड़ा दुश्मन है? कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी, उनकी सहयोगी पार्टी से दुश्मन जो मुंबई महापालिका में है। आखिरी सफर आपका सपना, अपना सपना क्या है? मेरा सपना मेरे पिता मतलब बाला साहब जी को अपनी पार्टी को विजयी करके दिखाना और बाद में महाराष्ट्र की जो जनता है जिनके घर में अंधेरा है उनके घर में उजाला लाना, ये मेरा सपना। चलो 13 अक्टूबर के बाद आपसे पूछेंगे फिर, जब 22 अक्टूबर को गिनती शुरू होगी। बिल्कुल, आप जरूर आइए हमारे साथ विजयी सभा। विजय सभा में आप बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। आज ही मैं आमंत्रित करता हूँ। चलो हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अब अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए।